LIC का नया प्लान कन्यादान पॉलिसी, बचाइए मात्र 75 रुपये प्रतिदिन और पाइए 11 लाख अपनी बेटी के कन्यादान के लिए। इसके साथ ही पिता के ना रहने पर किश्तें नहीं ली जाएंगी। पिता की मृत्यु होने पर परिवार को तुरंत 5 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। पिता की मृत्यु एक्सीडेंटल अगर होती है तो परिवार को तुरंत 10 लाख रुपए की मदद की जाएगी। बिटिया के विवाह के समय 11 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। पिता की मृत्यु पर परिवार के लालन पालन हेतु 50,000 रुपए प्रतिवर्ष विवाह होने तक दिए जाएंगे। सिहोरा में शशांक तिवारी पेशे से पत्रकार और किसान भी हैं। पिछले दिनों मझोली में खरीदी केंद्र तलाठी में 2 जून को गेहूं को लेकर बेचने गए थे। यहां उन्होंने धांधली को देखा, कमीशन खोरी को देखा और उसका लाइव वीडियो भी बनाया। इसकी शिकायत मिलने पर मौके पर नायब तहसीलदार रूबी खान भी पहुंच गई। JSO पल्लवी जैन भी पहुंची। अफसरों की मौजूदगी में दलाल राधे यादव भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर रहे हैं। शशांक तिवारी को बेरहमी से उन्होंने पीटा। अधिकारी मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहे हैं और एक दलाल एक पत्रकार को पीट रहा है। इस संबंध में ही अब ज्ञापन सौंपा गया है, कार्रवाई की मांग की जा रही है। और मैं सिहोरा में लोकनीति मीडिया में पत्रकार हूं। मैं 2 तारीख को अपना गेहूं लेकर मझौली की तलाड़ सोसाइटी में गया। वहां पर मैंने जब लाइव वीडियो दिखाया, क्योंकि वहां पर लगातार कमीशन खोरी चल रही थी जैसे हर खरीदी सेंटरों में होती है, तो उसको लेकर मैंने लाइव वीडियो दिखाया। नायब तहसीलदार रूबी खान भी वहां मौके पे पहुंची, JSO पल्लवी जैन भी पहुंची। वहां पर जो खरीदी प्रबंधक था तलाड़ सोसाइटी का, राधे यादव, उसने मेरा कैमरा छुड़ाकर मेरे साथ लगातार मारपीट करी और ये पत्रकार को प्रशासन के सामने मारा गया। यानी कितनी बड़ी गुंडागर्दी आप देखिए। इसको लेकर मैं कलेक्टर साहब से भी मिलना चाह रहा था लेकिन नहीं मिल पाए क्योंकि वो VC कर रहे थे। हमने अपना ज्ञापन और हमारे साथ संभागीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के, इन्होंने भी इसको लेकर आवाज़ बुलंद करी है। तो मेरी आप सभी मीडिया भाइयों से ये विनती है कि मेरी आवाज़ को इतना बुलंद करें कि कम से कम वो जो व्यक्ति है जो पत्रकार को मारा है प्रशासन के सामने, उसको सजा पड़े और वो निष्कासित हो अपनी नौकरी से। ये मेरी मांग है पूरी तरीके। नाम शशांक तिवारी।